जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मिशन प्रेरणा ऑपरेशन कायाकल्प के संबंध में एनेक्सी भवन के सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग के खंड शिक्षा अधिकारियों एपीओ के साथ बैठक की गई है। विभिन्न योजना ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण भारत अभियान, मिशन प्रेरणा, मानव संपदा, मिड डे मील सहित अन्य योजनाओं के संबंध में समीक्षा की गई है। शासन द्वारा कार्यों को पूरा करने के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसको पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत सभी स्कूलों में बिजली, महिला व पुरुष टॉयलेट, हैंड वॉश, स्कूल की चार दीवारी को बनवाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा, सभी अच्छा कार्य करने वाले प्रधानों व अध्यापकों को बधाई देता हूँ। इस अवसर पर सीडीओ इंद्रजीत सिंह, बीएसए रामेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, अगर कहीं समस्या है तो बताओ, इसको बताया चांदपुर कहीं की जो भी समस्या, जैसा कि आप लोगों का ग्रुप बन गया है 100 दिन में जो काम हुआ विद्यालय में, उसमें अगर जुड़ना है। 2499 स्कूलों ने भरा है। ठीक है, टास्क में नहीं भरा वो दे दिया। 28% और करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो सूची बची हुई है सर, उसको मैं बीडी साहबों को भी भेज दिया था और अपने कार्यकाल वाले ग्रुप में भी डाल दिया है। सभी जगह लगभग कर चुका है सर, और वाटर सप्लाई का काम, ब्लैक बोर्ड का काम और कुछ जगह पे सर टेस्ट बेंच का काम। मेरे ब्लॉक में सर 10 से 15 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर टेस्ट बेंच खरीदी है। अच्छी बात, तो लेकिन सभी जगह जीरो कब हो जाएगा? मतलब पैसा बचा ही नहीं है, कब हो जाएगा? कॉम्पोजिट ग्रांट में तो खर्च कर ही सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्कूलों में जहाँ पैसा पड़ा हुआ है जी, है ना, उनके लिए आप क्या रणनीति अपना रहे? फीड विचार, अभी भी बहुत सारे स्कूलों ने डेटा ही फीड नहीं किया और जहाँ फीड किया गया वहाँ अवशेष जनता जहाँ जहाँ काम कम्प्लीट कर लिया गया है, जिसका स्वच्छता में 10% खर्च करना होता है उसको सही छोड़ते हुए जो भी है यार, मतलब आपको 50,000-25,000 खर्च करने में मुझे पीछे रखना पड़ेगा तो ये खर्च कराने में भी आप लोग कितना ढीलामारी क्यों कर रहे हैं? नहीं सर, उसमें जहाँ पंचायत द्वारा काम हो रहा है प्रधान जी लोग ये कह रहे हैं कि हमको टोटल सर्टिफिकेट कर देने दीजिए। इसमें पंचायत इनको प्रधानों को कुछ कहना दे करने का है ही नहीं, हो गया। कॉन्ट्रैक्टर की रिपोर्ट क्या बता रही है? 1635 में उसने कम्प्लीट किया है, उसका पेमेंट कितने का हुआ है? तो इसमें से पेमेंट कितना हुआ जाना है? पेमेंट किसकी संस्तुति के आधार पर हुआ? पेमेंट में मुझे संस्तुति करना था ना, नहीं था? किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया? मैंने खुद ही आदेश किया था दीजिए था, मैंने गंभीर गंभीर आरोप लगाए। पेमेंट कितना हुआ ये रिव्यू करके मुझे बताइए, पेमेंट हो कितनी? वरना मेरे पास आदेश करके पेमेंट नहीं होगा, जब तक 100% पेमेंट नहीं होगा तब तक ये नहीं, ये बताइए कितने जगह पे शिकायतें आई हैं जो कंप्लीट कर दें? आज बेसिक शिक्षा विभाग की सभी
ARP, SRG, डायट मेंटर्स और कनशिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। विभिन्न योजनाएं जैसे ऑपरेशन कायाकल्प है, निपुण भारत अभियान है, शारदा है, सामर्थ्य है, मानव संपदा कार्यक्रम, इन विभिन्न मिड डे मील, इन सभी योजनाओं के बारे में समीक्षा की गई, अनुश्रवण किया गया और जो लक्ष्य निर्धारित है शासन द्वारा उसकी पूर्ति के लिए सभी को निर्देशित किया गया है और रणनीति बनी हुई है, चरणबद्ध रूप से काम हो रहा है और ऑपरेशन कायाकल्प के तहत सभी स्कूलों में अवस्थापनाओं के संतृप्ति की कार्रवाई मिशन मोड में चल रहा है। सभी अच्छे कार्य करने वाले सभी टीचर्स और प्रधानों को बधाई देता हूँ और शेष जितने भी काम बचा हुआ है उसको समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के लिए मैं सभी से आग्रह करता हूँ।